पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अपनी फिटनेस को लेकर कितने सजग हैं। मंगलवार को हंगरी के खिलाफ यूरो कप से पहले पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो वहां पोडियम पर रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखकर कुछ नाराज हो गए। उन्होंने सबसे पहले उन बोतलों को वहां से हटाया और फिर रोनाल्डो ने पोडियम पर रखी पानी की बोतल को उठाया और कैमरे की तरफ देखकर प्रशंसकों को संदेश देते हुए बोले, ड्रिंक वाटर। यह सॉफ्ट ड्रिंक कोकोकोला टूर्नामेंट के स्पॉन्सरों में से एक है। इस इंसिडेंट के बाद सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोकोकोला को करीबन $4 बिलियन यानी कि 293 अरब रुपए का घाटा हो गया। रोनाल्डो अपनी बेहतरीन डेली रूटीन के कारण 36 की उम्र में भी 25 साल के युवा जितने फिट रहते हैं। रोनाल्डो एक दिन में करीबन 6 बार शुद्ध व पौष्टिक भोजन करना पसंद करते हैं और दिन भर में 5 बार 90-90 मिनट की नींद लेते हैं।